हे दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर कुमार मनीष। प्यारे दोस्तों, नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो है यहाँ पे साल्वर पेपर्स लेकर आ चुका हूँ। 31 अगस्त 2019 की बिल्कुल ऑफिशियल ओरिजिनल साल्वर पेपर है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं नर्सिंग ऑफिसर एम्स नॉर्सेट 2020 के बारे में, जिसका एग्जाम डेट 1 सितम्बर 2020 रखी गई है। तो दोस्तों हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। साथ ही हम आपको बता दें 25 साल्वर पेपर लेकर आ चुके हैं। इसकी ई बुक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। 25 साल्वर पेपर जो कि बिल्कुल ऑफिशियल है, 512 पेज इस ई बुक में रखे गए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाके परचेस कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, बिल्कुल ऑफिशियल ओरिजिनल पेपर है। इस तरह से जो है क्वेश्चन अब की बार पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जॉब इंडिया को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे देख सकते हो इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन रखे गए हैं। तो आप लोग जो है देख सकते हो, मैं हिंदी में बात करने वाला हूँ और इंग्लिश में भी बात करूँगा, जिसमें देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1, सीरम हेपेटाइटिस जाना जाता है। जो सीरम हेपेटाइटिस जाना जाता है, किससे जाना जाता है? तो हेपेटाइटिस बी, इसका राइट आंसर होगा हेपेटाइटिस बी। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह क्वेश्चन एम्स रायपुर में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक न्यूरोलॉजिकल विकार जिसमें व्यक्ति के चेहरे के भाव और उसके घूरने का तरीका मुखौटे जैसे हो जाए, वो जाना जाता है, किस तरह जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है पार्किंसन बीमारी। क्या होगा? पार्किंसन बीमारी, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए आप लोग जो है यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हो और इंग्लिश में क्वेश्चन देख सकते हो, इंग्लिश में यहाँ पे आंसर देख सकते हो, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, नस में थक्के का बनना कहलाता है। यहाँ पे देख सकते हो इंग्लिश में दिया गया है, इंग्लिश में जो है आप लोग देख सकते हो, क्वेश्चन आईडी 425, नस में थक्के का बनना कहलाता है थ्रोम्बोसिस। क्या कहलाता है? थ्रोम्बोसिस कहलाता है। राइट आंसर जो होगा इसका थ्रोम्बोसिस, ऑप्शन आईडी 1699। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, एवरेज दैट इज यूज टू ड्राइव द सेंट्रल टेंडेंसी इज द राइट आंसर मीन। क्या होगा? औसत जिसका प्रयोग केंद्रीय प्रवृत्ति को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, उसका राइट आंसर क्या होगा? मीन होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। मिलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असामान्य गर्भधारण जिसमें गर्भाशय गुहा के बाहर अवधारणा होती है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए स्थानिक गर्भावस्था। राइट आंसर क्या होगा? स्थानिक गर्भावस्था। असामान्य गर्भधारण जिसमें गर्भाशय गुहा के बाहर अवधारणा होती है क्या कहलाता है? तो स्थानिक गर्भावस्था कहलाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। यहाँ पे देख सकते हो जीवन के, ठीक है, इंग्लिश में भी आप देखिए, हाँ, जीवन के प्रथम 36 घंटों के भीतर मैकोनियम पारित करने में विफलता, पेट में गड़बड़ी, खराब भोजन और खाली मलाशय का होना परिणाम है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो हिस्टर स्पुंग बीमारी। क्या होगा? हिस्टर स्पुंग बीमारी, इसका जो है राइट आंसर होगा। तो जीवन के प्रथम 36 घंटों के भीतर मैकोनियम पारित करने में विफलता, पेट में गड़बड़ी, खराब भोजन और खाली मलाशय का होना परिणाम है, तो इसका राइट आंसर होगा 1864, याद रखिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कियों में 8 साल की उम्र से पहले यौवन की शुरुआत को क्या कहा जाता है? तो लड़कियों में 8 साल की उम्र से पहले यौवन की शुरुआत को असामयिक यौवन कहलाता है। क्या कहलाता है? असामयिक यौवन, ऑप्शन डी राइट आंसर। 1878 इसका जो है नंबर है, ऑप्शन डी राइट आंसर, असामयिक यौवन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ एम्स रायपुर नर्सिंग ऑफिसर में पूछा गया है, 31 अगस्त 2019, इसका जो है एग्ज़ाम डेट हो रखा गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी चिकित्सा स्थिति है जिसमें पल्मोनरी धमनी और महाधमनी के बीच संबंध होता है? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी चिकित्सा स्थिति है जिसमें धमनी, ठीक है, चिकित्सा जिसमें पल्मोनरी धमनी और महाधमनी के बीच में संबंध होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा पेंटेंट डक्टस ऑर्टेरियोसस, इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इस तरह के जो है क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षक प्रशिक्षण और संकाय विकास से तकनीक है जहां पर 5 से 10 विद्यार्थियों को 5 से 10 मिनट पढ़ाया जाता है? इसका राइट आंसर है माइक्रो टीचिंग। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग टीचर ट्रेनिंग एंड फैकल्टी डेवलपमेंट टेक्निक वेयर द टीचर 5-10
प्यूपिल फॉर 5-10 मिनट्स इज द राइट आंसर। माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रीढ़ की हड्डी कोशिका नली की एक्सरे परीक्षा के बाद रीढ़ की हड्डी के सबरेक्नॉइड स्पेस में कंट्रास्ट मीडिया के प्रवेश को क्या कहा जाता है? तो इसे माइलोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? माइलोग्राफी कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा? माइलोग्राफी। ऑप्शन इसका जो होगा ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य को दूसरों से जो आदर और सत्कार चाहिए होता है वह कहलाता है मान सम्मान की ज़रूरतें। इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों इस तरह के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिए आप लोग नोट डाउन कर लो। मनुष्यों को दूसरों से जो आदर और सत्कार चाहिए होता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? मान सम्मान की ज़रूरतें कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन अब की बार पूछे जाएंगे, 101% कंफर्म है। इसको जो है कॉपी में नोट डाउनलोड कर लो, क्योंकि कोरोना के चलते जो है इस तरह के क्वेश्चन एम्स नर्सिंग में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको नोट डाउनलोड कर लो। आईएमपी जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। एक व्यक्ति जो सांस नहीं ले पा रहा है उसे किसकी मदद की आवश्यकता है? तो वेंटिलेटर की आवश्यकता है। राइट आंसर क्या होगा? वेंटिलेटर, याद रखिए, नोट डाउनलोड कर लो। ये जो है अब की बार पूछे जा सकते हैं, 101% कंफर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ऊपर। मनोचिकित्सा समूह जिसमें समूह के सभी सदस्य एक ही समय में समूह में शामिल होते हैं और एक परिभाषित सदस्यता होती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें बंद कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा? क्लोज, बंद इसका जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, नोट डाउनलोड कर लो। देखिए नोट डाउनलोड का मतलब होता है स्क्रीनशॉट, यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख लो। ठीक है, अतृप्त मानवीय आवश्यकताओं की पहचान के लिए मरीजों का व्यवस्थित विवरण संग्रह क्या कहलाता है? नर्सिंग आकलन कहलाता है। नर्सिंग आकलन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश में, आप लोग देख सकते हो। खिलाने वाली ट्यूब को कृत्रिम छिद्र के द्वारा सीधा पेट की दीवार के साथ पेट में रखा जाता है को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? इसे गैस्ट्रोस्टोमी नली कहलाता है। क्या कहा जाता है? गैस्ट्रोस्टोमी नली इज द राइट आंसर। गैस्ट्रोस्टोमी नली कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्जिकल चीरे से हुआ घाव जो कीटाणुविहीन अवस्था में एक सर्जन द्वारा किया गया जाता है क्या कहलाता है? तो साफ चोट कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? साफ चोट, क्लीन वाउंड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सर्जिकल चीरे से हुआ घाव जो कीटाणुहीन अवस्था में एक सर्जन द्वारा किया जाता है क्या कहलाता है? तो साफ चोट इसका राइट आंसर होगा। और दोस्तों इसका जो है आपको राइट आंसर देना है, मैं ये क्वेश्चन आपको दे दूं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन देख सकते हो, इसका जो है आपको यहाँ पे राइट आंसर देना है। यह तंत्रिका सुनने और संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। कौन सी तंत्रिका सुनने और संतुलन बनाए रखने में जो है मदद करती है? इसका राइट आंसर जो है आपको जल्दी से कमेंट करना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो है मैं लेकर आने वाला हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।